प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। युवाओं में देश रक्षा का ही जुनून है कि दो साल बाद जब उन्हें सेना में शामिल होने का अवसर मिला तो उनका जोश हाई है। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को लेकर उठे तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए युवाओं ने यूपी की शुरुआती 3 भर्ती कार्यालयों की ओर से होने वाली रैलियों के लिए रिकॉर्ड ऑनलाइन आवेदन किया है। लखनऊ मध्य कमान सेना मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम यूपी के इन 3 जोन के 33 जिलों के 4.40 लाख युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है। लखनऊ सहित शेष जिलों के अभ्यर्थियों के लिए 5 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। सेना भर्ती कार्यालय बरेली की भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि समाप्त हो चुकी है, जबकि मेरठ और आगरा भर्ती कार्यालयों से आने वाले जिलों के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण बुधवार को भी किया गया। सेना में अग्निवीर सैनिक, GD, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क व स्टोर कीपर तकनीकी, अग्निवीर ट्रेडर्समैन के पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इसकी तिथि भी सेना की ओर से घोषित हो चुकी है। भारतीय सेना की वेबसाइट पर बरेली से जुड़े जिलों के वो 1.13 लाख युवाओं ने आवेदन किया, जबकि कोरोना महामारी से पहले होने वाली भर्ती रैलियों में 50 से 60 हजार युवा ही आवेदन करते थे। वहीं मेरठ के 1.56 लाख और आगरा सेना भर्ती कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जिलों के 1.71 लाख युवाओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, जो कि कोरोना से पहले होने वाले ऑनलाइन पंजीकरण के औसतन करीब 3 गुना ज्यादा है। अग्निपथ स्कीम में युवाओं की रुचि ये बताती है कि युवाओं में फौज में जाने के लिए कितना जोश है और उत्साह है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, यूपी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।